आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। तूफान यास के बाद किसानों की फसलें हो रही हैं बर्बाद। किसान मुआवजे की सरकार से कर रहे हैं मांग। यास तूफान का असर अब ठाकुर गांव की ओर देखने को मिल रहा है। किसानों की खेत में खरी हरी सब्जी, जैसे जैसे धूप पड़ रहा है वैसे ही सब्जी सड़ना शुरू हो गया है। हम आपको बताते चले कि बुढ़मू प्रखंड में किसानों ने हजारों एकड़ में फूलगोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मूली, खीरा, कद्दू, बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, सभी तरह की सब्जी तूफान के साथ हो रहे लगातार बारिश से बर्बाद हो गया है। वहीं किसानों का कहना है कि जो पूंजी था सारा पूंजी डूब गया है। आगे की खेती लगाने के लिए सरकार के भरोसे है, मगर मुआवजा मिलती है तो आगे का फसल लगाएंगे, नहीं तो भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। गोभी हम लोग लगाए और जो बारिश जो हुआ 3 रोज उससे पूरा खेत का जितना गोभी था, उधर टमाटर है उसका भी फोटो ले लीजिए, टमाटर है उधर बंधा को भी पूरा सब सड़ गया। कम से कम 2 लाख रुपया हमारा पूंजी लगा था और 2 लाख रुपया पानी में चल गया। तभी सड़ा हुआ को भी क्या कर रहे हैं, जो सड़ गया सड़ा हुआ को काट के यही खेत में छोड़ रहे हैं, उससे खाद बन जाएगा। हाँ, खाद बने चाहे नहीं बने, अब इसको काट के फेंकने में भी टाइम। हाँ, गोभी टमाटर लगाए थे सब खराब हो गया। पूंजी तो कितना लग गया था? लग करीब 1.5 लाख लगा था, अब तो पूंजी का दरकार हमको चाहिए। सरकार से क्या मांग करें? पूंजी का कुछ मुआवजा मिल जाए। हाँ, कुछ मुआवजा मिल जाए। क्या नाम हो? रामजीत प्रसाद। मूली लगाए थे और फूलगोभी भी लगाए थे, टमाटर भी लगाए थे और आपका बंधा गोभी भी लगाए थे। ये पानी में सारा फसल मेरा खराब हो गया। कितना पूंजी लग गया था? लगभग हमको लग गया था 1.5 लाख रुपया। सारा डूब गया? सारा डूब गया। सरकार से क्या मांग करना चाहिए? अरे सरकार से हम सोचते हैं कि भाई कुछ मदद मिल जाए, माने 30-40 हज़ार रुपया तो।